में उदय रक्षित, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो भाई जैसे कि आपने टाइटल पढ़ा, आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि क्रेटा रोड पे कैसे दिखती है और इसकी रात में लाइटिंग कैसी है और ये रात में कैसी लगती है गाड़ी जब इसकी सारी लाइट्स ऑन रहती है। तो भाई वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखना। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा, क्योंकि ये वीडियो पहली बार किसी ने रिकॉर्ड किया है जहां तक मुझे पता है। अगर आपने ऐसा पहले वीडियो देखा है सड़क पे चलते हुए क्रेटा को रात में, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लेकिन जहां तक मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो पहले मैं ही शूट कर रहा हूँ, यूट्यूब पे पहली बार हो रहा है, तो बहुत ज्यादा मेहनत लगा भाई वीडियो को पूरा देखना। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लीज भाई वीडियो को लाइक करना, क्योंकि होता है बहुत ज्यादा मेहनत लगा है तो मेहनत का फल दिखना चाहिए। तो आप लोग प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपका भाई क्रेटा से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहता है। तो अब हम लोग चलते हैं, गाड़ी को टर्न करते हैं और सबसे पहले बाहर आपको दिखा देते हैं कि कैसी दिखती है रात में इसकी जब लाइट्स ऑन रहती थी, ठीक है? फिर हम लोग दिखाते हैं सड़क पे कैसी लगती है। तो भाई वीडियो को एंड तक देखना, हम पूरी तरह से उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। तो भाई चलिए चलते हैं, पहले गाड़ी को बाहर से आपको दिखाते हैं। सबसे पहले एक बार आपको गाड़ी के लुक दे दूं, रात में कैसी लगती है आप देख ले। ये भाई बहुत बवाल लगती है, जैसे आप देख रहे हैं फ्रंट का ग्रिल चमक रहा है। तो ये ग्रिल का क्रोम एक्सेसरीज मैंने लगवाया है, आप इसकी वीडियो देख लेना, मैं आई बटन पे डाल दूंगा, ठीक है? ये ग्रिल नहीं है, सिर्फ क्रोम है जो ऊपर से चिपकाया हुआ है, ठीक है? और भाई रात से ये गाड़ी बहुत मस्त लगती है, जैसे मैंने अभी गाड़ी धोया हुआ है इसलिए इसकी चमक भी अच्छी खासी लग रही है, आपको दिख रही होगी। पीछे से इसका लुक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब दिल छू जाता है यार इसका लुक पीछे से। और यहाँ एक सीन भी बहुत अच्छा है और इसकी लाइटिंग पड़ रही है गुलाबी गुलाबी, तो और भी ज़्यादा अच्छी लग रही है। अब इसका लाइट आपको दिखाते हैं कि रात में कैसी दिखती है। तो भाई फ्रंट से कुछ इस तरह का दिखता है लाइट जब ऑन रहता है, तो ये आप देख सकते हैं ये डी आर एल दी हुई है यहाँ पे। ऐसे इसको हम लोग डी आर एल नहीं कहेंगे, लेकिन उसी का जैसे ये वर्क करता है 50-50%, तो हम लोग डी आर एल बोल सकते हैं। और ये पीछे से ऐसा कुछ दिखता है, नीचे जो इंडिकेटर्स हैं वो इंडिकेटर्स आपको चला के दिखाता हूँ। लाल बटन प्रेस करना, तो हजार लाइट का नीचे ट्रायंगल जो बना हुआ है। ये आप देख सकते हैं इसकी इंडिकेटर की प्लेसिंग नीचे दी है। भाई ये बहुत ज़्यादा बवाल लगता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि कैमरा में अच्छे से कैप्चर हो पा रहा होगा। और एक बार आपको पीछे की लाइटिंग दिखा दे, तो भाई ब्रेक प्रेस करना और भाई पीछे से कुछ इस तरह से दिखती है ये, और इसकी चारों इंडिकेटर अभी जल रही है। और ये आप देख सकते हैं जो ये बीच में स्ट्रिप दिया हुआ है, जब ब्रेक प्रेस करते तब ये जलता है। इसकी जो लाइटिंग की डिज़ाइन है ये बिल्कुल टॉप मॉडल टाइप है, ये बेस मॉडल है। अगर आप पहली बार देख रहे हैं मेरी वीडियो तो मैं आपको बता दूं, आप जो देख रहे हैं ये बेस मॉडल है। और टॉप मॉडल में तो उसकी लाइटिंग और भी ज़्यादा मस्त लगती है। तो अब चलिए भाई इसको अब दिखाते हैं सड़क पर कैसी लगती है। तो अभी मेरा दोस्त पीछे से रिकॉर्ड करेगा इसको, वो बाइक पे है, वो बाइक से रिकॉर्ड करेगा, पीछे पीछे आ रहा है वो। तो चलिए चलते हैं कार। तो भाई जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा फ्रेंड आगे स्कूटी पे है, वो वहाँ से रिकॉर्ड कर रहा है, तो इसमें भाई बहुत ज़्यादा मेहनत लग रहा है। तो भाई जैसे कि इतना दूर तक आपने अगर वीडियो देखा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अब तक बहुत पसंद आ रहा होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बस अब हम लोग इसी को यहाँ पर करते हैं वीडियो को एंड।
और ये हमारे आखिरी सीन। तो आप देख, जैसे कि आपने भाई देखा, गाड़ी बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है रात में भी, तो इसकी लाइट्स कुछ ज़्यादा ही अभी देख सकता है, हाई बीम पे इसलिए लग रही होगी कैमरे पे। तो भाई बस इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, हमारा मेहनत आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।